हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आप कैसे पटियाला शलवार बहुत इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने एक कपड़ा लिया है जो मेरा 3 मीटर है। आप ये 2 मीटर में भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके चुन ज़्यादा नहीं आएंगे, कम ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा कपड़ा है जिसे मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने 2 लेयर में इस तरह से इसे बंद कर रख लिया है। तो आप अपनी कोई भी एक ओल्ड शलवार ले लें, इसको इसकी लेंथ ले लें। अगर आपके पास शलवार नहीं है तो आप अपनी लेंथ ले लें। तो ये मेरी लेंथ आ रही है 37 इंच। तो मैं इसकी बेल्ट देख लूँगी। तो बेल्ट मेरी 6 इंच की है, तो मैं 6 इंच निकाल दूँगी इसमें से और 37 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर से 6 इंच निकाल दिया है और 37 इंच पे मैं इस पर मार्क कर दूंगी। आप अगर पहुँचे कि आप अगर अपना पहुँचा इसी में से बनाना चाहते हैं तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैं इसमें से नहीं बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने 37 इंच पे इसे मार्क करके कट कर लिया है। तो मैं इसका पहुँचा रेडी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है। तो मेरा 5 इंच फोल्ड हुआ हुआ है। मैं इसका पहुँचा छोटा रखूँगी, आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर लें। तो ये मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा पहुँचा कट गया है। तो ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी, तो ये मेरे 2 पहुँचे क्रिएट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने दोनों को कट कर लिया है। अब मैं इसे एक तरफ रख दूँगी। अब मैं जो बचा हुआ कपड़ा था साइड में से, उसमें से बेल्ट कट करूँगी। तो आप फिर से अपनी ओल्ड शलवार ले लें, उसके बाद इसकी बेल्ट की चौड़ाई देख लें कितनी है। अगर आपके पास ओल्ड शलवार नहीं है तो आप अपने हिप के अकॉर्डिंग 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें उसमें। और उसके बाद मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ जो मैं 6 इंच पर लिया था, और 2 इंच मैं इसके नेफे का लूँगी एक्स्ट्रा। तो मैं फुल लेंथ ले लूँगी इसकी, 8 इंच की मैं इसकी लेंथ ले लूँगी। उसके बाद मेरी जो जितनी भी बेल्ट थी उसके नाप से मैं इसे मार्क कर लूँगी। तो ये मेरा डबल फोल्ड हुआ हुआ कपड़ा रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, 2 लेयर हैं इसकी। तो मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी कली क्रिएट करूँगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने सारे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। तो मेरी बन साइड है और उधर वाली मेरी खुली हुई साइड थी। तो मैं इस तरह से अपना पहुँचा इसके ऊपर रखूँगी। ये बहुत ईजी तरीका है। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा आसन 14 इंच का है। तो मैं इसमें 6 इंच की बेल्ट डालूंगी, तो बचा हमारा 8 इंच। तो मैं 8 इंच इस पर मार्क करूंगी, तो 14 इंच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं 8 इंच की इस पर मार्क करूंगी। तो आप देख सकते हैं, मैं 8 इंच पे इस पर मार्क कर रही हूँ। आपका अगर अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे आप कट कर लें। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पर एक मार्क किया है। उसके बाद मैं 1.5 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करूँगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने 1.5 इंच पे इस पर मार्क कर लिया है। इसी तरह से मैं उस एक दूसरी साइड भी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मार्क किया है। अब मैं दूसरी साइड पे मार्क करूँगी। दूसरी साइड पे भी मैं इस पर इस तरह से पहुँचा रखूँगी। ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने किधर की साइड पहुँचा रखा था और अब मैं उधर की साइड पहुँचा रखूँगी अपना, और इधर की साइड मार्क करूँगी। और इसी तरह से 1.5 इंच पर मार्क करूँगी यहाँ पर भी। और उसके बाद ये क्रॉस शेप में मैं इस तरह से अपनी इंच टेप रखूँगी और इससे मार्क कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है इसे, और मैं इसे एज इट इज़ कट कर लूँगी। तो मैंने एज इट इज़ कट कर लिया है इसे। तो मेरी 2 कली रेडी हो गई हैं, और मैं इसे इस तरह से यहाँ से भी कट कर लूँगी। तो ये मेरी 4 लेयर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, दोनों पाँचे और दोनों कलिए और बेल्ट मेरी कट हो चुकी हैं। तो अब मैं स्टिचिंग की तरफ बढ़ती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मेरी ये 4 कली हैं। तो मैं इसमें से 1 कली ले लूँगी और 1 पौचा ले लूँगी। 1 पौचा लेके मैं इस कली में से अटैच करूँगी, तो दूसरी कली में दूसरे में अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं अपना पौचा इस तरह से रख दूँगी। दोनों अंदर की साइड मेरी राइट साइड है और ऊपर की साइड मेरी रॉन्ग साइड होंगी। तो इस तरह से मैं इसमें एक स्टिच कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने स्टिच कर लिया है इसे। मैं इसे ओपन करूँगी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद मैं दूसरी कली लूँगी अपनी, और इसे भी इस तरह से स्टिच कर लूँगी। पौचे के ऊपर मैं रखूँगी इसे। तो ये भी मेरा रॉन्ग साइड अंदर की तरफ होगा,
राइट साइड, सॉरी राइट साइड मेरा अंदर की तरफ होगा, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगा, तो इस तरह से ये स्ट्रेच हो जाएगा मेरा। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्ट्रेच कर लिए हैं अपनी कली। सेम प्रोसेस से मैं दूसरों को भी इसी तरह से स्ट्रेच कर लूँगी और इसके ऊपर रखूँगी, दोनों पाँचों को एक के ऊपर एक रखूँगी। अंदर की साइड राइट साइड होगी और बाहर की साइड मेरी रॉन्ग साइड होगी। इसका आसन जो है, ये मेरा आसन है इधर की साइड, इस आसन को मैं स्ट्रेच कर लूँगी इस तरह से। दूसरी तरफ पे भी मैं इसी तरह से स्ट्रेच कर लूँगी इस जगह पर, यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रेच कर लिया है दोनों तरफ, इधर भी मैंने स्ट्रेच कर लिया है। अब मैं इसके आसन को दोनों को मिला दूँगी इस तरह से। ये आप देख सकते हैं दोनों आसन मैंने मिला दिए हैं, तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। ये मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसकी बेल्ट रेडी करूँगी। तो आप देख सकते हैं इधर की साइड में इसकी फुल सिलाई कर लूँगी। इधर की साइड मैं सिलाई सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर ही इसे सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो ये मेरा आसन मुड़ेगा यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसे ऊपर की तरफ 2 इंच तक मैं इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने इसे स्टिच कर लिया है पूरा, और यहाँ तक मैंने अंदर की तरफ इसे दोनों की किनारी मोड़ दी है। अब मैं इसका नेफा फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, तो मेरा नेफा पूरा क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने नेफा भी इसका स्टिच कर लिया है, तो इस तरह से ओपन हो गया है। अब मैं इसे नेफे को बीच में ले आऊँगी, जो मेरी सिलाई है इसे मैं बीच में ले आऊँगी और दोनों तरफ कट लगाऊँगी मैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल ही तरीका है बेल्ट अटैच करने का। तो मैं दोनों तरफ ही इसमें कट लगा लूँगी। तो मैंने दोनों तरफ कट लगा लिया, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके बीच में इस तरह से नीचे की साइड सिलाई नहीं हो तो आप बीच में भी इसमें कट लगा लें। तो आप देख सकते हैं मैंने ये अपनी बेल्ट ले ली है, और ये मेरी सीधी हुई हुई बेल्ट है, और ये इस तरह से मैं इसके अंदर कर दूँगी। ये जो हमारा आसन है इसके अंदर मैं इसे कर दूँगी और बीच में सिलाई से सिलाई अटैच करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई से सिलाई अटैच करी है नीचे बेल्ट की और ऊपर आसन की। तो मैं ऊपर वाली जो मेरा कली है इसके ऊपर मैं ये 3 फिंगर रखूँगी इस तरह से, और इसके ऊपर ये इस तरह से मैं एक प्लेट्स डाल दूँगी। तो ये मेरी बैक साइड होगी शलवार की, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसमें एक प्लेट डाल देनी है, और इसे मैं पिन से सिक्योर कर दूंगी। तो ये मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है इसे। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से इसमें प्लेट डालूंगी, ये मैं 3 फिंगर रखूंगी आसन के बिल्कुल बराबर में। तो ये आप ध्यान रखें, ये मेरी बैक साइड है, फ्रंट साइड में मुझे फुल्ली इसमें प्लेट्स डालनी है। तो मैं बैक साइड में सिर्फ 2 प्लेट्स डालूंगी इस तरह से। तो ये मैंने दोनों प्लेट्स डाल दी हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी इसे। और ये जो मेरी बेल्ट है उसके बाद मैं बेल्ट के अंदर इसे अटैच करूँगी। तो आप देख सकते हैं बेल्ट का मेरा कट यहाँ दिख रहा है, जो मैंने साइड में कट लगाया है, तो मुझे यहीं तक ही इसे अटैच करना है। जितना भी हमारा आए इतना ही मुझे इसमें अटैच करना है। और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से कट तक ही मैं इसे स्ट्रेच करूँगी, जो साइड में मेरा कट है इसे स्ट्रेच कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्ट्रेच कर ली है बेल्ट में, यहाँ कट तक, दोनों कट तक मैंने यहीं तक हमारे कट आ रहे थे, दोनों से इस तरह से स्ट्रेच कर लिए। अब मैं इसे फ्रंट साइड में टर्न कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से इसमें ऑल पिन लगा रखी है आगे वाले आसन में। तो ये मेरा बचा हुआ बेल्ट का कपड़ा है, जिसमें मैं इस कपड़े की प्लेट्स डालूँगी, जितना मेरा बचा हुआ है। तो आप मैं इस तरह से 2 फिंगर रखूँगी और उसके ऊपर से इसे ले जाऊँगी और इस तरह से पिन से सिक्योर कर दूँगी इसे। दोबारा से मैं इस तरह से 2 फिंगर रखूँगी और उसके ऊपर से इसे इस तरह से मैं प्लेट्स डालती चली जाऊँगी। तो ये मेरा पूरा कपड़ा बेल्ट में अटैच हो जाएगा, प्लेट्स डालते जाएंगे इसमें।
आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट में प्लेट्स ना आए, ऊपर वाले कपड़े में ही प्लेट्स आए। चाहे तो आप पहले प्लेट्स डाल लें उसके बाद इसे बेल्ट में अटैच करें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं पूरे कपड़े में बेल्ट में अपने प्लेट्स डाल दूंगी। तो इस तरह से मैं इसमें प्लेट्स डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने आधे उसमें प्लेट्स डाल दिए हैं। मैं फिर से इसे अंदर करूंगी बेल्ट को अपनी, और उसके बाद दूसरी तरफ की भी इसी तरह से प्लेट्स डाल दूंगी। जितना भी मेरा कपड़ा बचा हुआ है सारा मैं प्लेट्स डाल दूंगी इसके। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लेट्स कंप्लीट कर ली हैं अपनी। अब मैं इसके पाउचे क्रिएट करूंगी। तो ये मेरी बैक साइड थी, अब मैं इसके पाउचे क्रिएट करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पाउचे के लिए एक बुकरम ले ली है, जिसे मैंने 1.5 इंच पे इस तरह से कट कर लिया है, और लेंथ मैंने अपनी पाउचे के अकॉर्डिंग करी है, और दो पट्टी मैंने इस तरह से अपने कपड़े की ली है जिसके ऊपर मैं बुकरम रखूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इस पर बुकरम रखूँगी, और उसके ऊपर इस तरह से इसे फोल्ड कर दूँगी और एक स्टिच कर लूँगी यहाँ पर। तो मैंने, आप देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है दोनों ही पट्टी में। ये देख सकते हैं मेरी ओपन साइड है। तो अब मैं अपना पाउचा ले लूँगी फिर से। तो आप देख सकते हैं मेरा पाउचा है, और राइट शलवार पे मैं अपनी इस तरह से उल्टी बुकरम रखूँगी और इस पर एक स्टिच कर लूँगी। तो मेरा इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ये अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है इसे। तो ये मेरे अंदर से भी बहुत फिनिशिंग से आ गया है पहुँचा ये इस तरह से। अब मैं इसमें डिज़ाइन कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप सिंपल इसमें एक सिलाई करें। मैं सिर्फ इसमें सिलाई करके दिखाऊंगी आपको, सिर्फ मैं सिंपल से सिलाई करूँगी इसमें सीधी सीधी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पैर की सीधी सीधी सिलाई कर दी है, जितनी मेरी बुकरम थी उतनी ही। तो इसे मैं राइट साइड पर रॉन्ग साइड पर टर्न करूँगी और इसे इसकी साइड की सिलाई कर दूंगी इसकी। ये आप देखें दोनों आसन हमारे सेम मिलने चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा ये फाइनल लुक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।